बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे नेशनल अचीवमेंट सर्वे की वर्कशीट। सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स, क्लास फिफ्थ की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो बच्चों जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों। इन द पिक्चर ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन बोर्ड ईच कॉर्नर इज एट राइट एंगल। अ राइट एंगल हैज़ एन एंगल ऑफ। बच्चों देखिए आप सभी को पता है कि जो हमारा राइट एंगल होता है वो कितने पे होता है, 90 डिग्री पे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कहाँ बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ हमारा 90 डिग्री बन रहा है, ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है और ये भी हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो राइट एंगल हैज़ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ऑप्शन डी हमारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल नॉट बी रीड इन द सेम वे व्हेन इट इज़ रोटेट इन हाफ। देखिए बच्चों हम सभी को बोला गया है कि कौन सा वर्ड है जिसे हम रोटेट करेंगे तो उसे जैसा हम देख पा रहे हैं वैसा नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखिए बच्चों अगर हम मून को रोटेट करेंगे तो ये हमारा क्या जाएगा, एन डबल ओ एम, और नून को करेंगे तो ये भी सेम रहेगा, एन डबल ओ एन, मो को करेंगे तो ये भी हमारा सेम रहेगा, और सिस को करेंगे तो ये भी हमारा सेम रहेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा है जो हमारा सेम नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, सीइंग द फिगर गिवन बिलो टेल हाउ मच ऑफ द फिल्ड पार्ट इज ऑफ द होल फिगर। तो देखिए बच्चों आप सभी को बताना है कि फिगर में जो फील्ड पार्ट है वो होल फिगर का कितना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल पार्ट है 10 और फील्ड कितना है ओनली 1, तो 1/10 हमारा सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, विच फिगर विल फिल इन द लास्ट बॉक्स अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। बच्चों देखिए हमें एक पैटर्न दिया गया है, ठीक है। अब पैटर्न में क्या बोला गया है, देखिए फर्स्ट हमारा एफ एकदम स्ट्रेट, फिर थोड़ा सा स्लाइड हुआ, फिर और स्लाइड हुआ, फिर और स्लाइड हुआ, तो नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो हमारा क्या होगा, तो नेक्स्ट बच्चों हमारा ये वाला ऑप्शन थर्ड होगा। अब ये हमारा एफ है जो इस तरह से आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राजू टुक 1 kg कैरेट, 1 kg पोटैटो, 1/2 kg गॉड एंड 1/2 kg टोमेटो आफ्टर सीइंग द बोर्ड फ्रॉम द शॉपकीपर। हाउ मच विल ही हैव टू पे टू द शॉपकीपर। तो देखिए बच्चों 1 kg कैरेट लिया, ठीक है, 1 kg कैरेट कितने की आई, 18 रुपीज़ की, तो रुपीज़ 18। 1 kg पोटैटो कितने के आए, तो 1 kg पोटैटो आए 10 रुपीज़। 1/2 kg गॉड कितने की आई, 8 रुपीज़ पर kg है तो 1/2 हो जाएगी 4 रुपीज़ की, और 1/2 kg टोमेटो 12 रुपीज़ पर kg है तो 1/2 हो जाएंगे हमारे 6 रुपीज़ के। तो टोटल कितने रुपये उसे पे करने पड़ेंगे, टोटल उसे रुपीज़ 38 पे करने पड़ेंगे, ओके। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन आएगा रुपीज़ 38, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट विल बी द साइन लुक लाइक व्हेन इट रोटेट 1/4। बच्चों अगर देखिए हमारे को बोला गया है कि जो हमारा साइन है इसको अगर हम 1/4 रोटेट कर देंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो देखिए बच्चों ये हमारा इस तरह से दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, 256 प्लस 345 प्लस 763 अगर इन्हें हम ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना होगा बच्चों, तो इनका आंसर होगा हमारा 1364, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कमला हैज़ अ काउ हुज मिल्क ही शी सेल्स ₹100 पर लीटर। बच्चों देखिए कमला के पास एक गाय है, उसका वो दूध 1 लीटर दूध वो 100 रुपये का बेचती है। इफ़ हर काउज गिव 5 लीटर ऑफ मिल्क डेली, अगर उसकी गाय 5 लीटर मिल्क डेली देती है, देन हाउ मच मनी कमला विल अर्न बाय सेलिंग ऑल द मिल्क इन द मंथ ऑफ मार्च। तो देखिए बच्चों 1 लीटर मिल्क कॉस्ट कितना होगा, ₹100 हमें बता रखा है, ठीक है। 5 लीटर का कॉस्ट कितना होगा, 5 लीटर मिल्क कॉस्ट 5 लीटर का कितना होगा, तो देखिए बच्चों 100 को हम 5 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। हमसे बोला गया है कि
मार्च मंथ में वो कितने रुपए कमाएगी दूध बेच के। तो मार्च मंथ 31 डेज होते हैं, 31 डेज मार्च मंथ में होते हैं, तो कमला को कितने मिलेंगे, 31 × 500, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, ₹15,500 वो मार्च मंथ में पैसे कमाएगी। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, ईशा हैज़ ₹10,010, ठीक है, शी वॉन्ट्स टू बाय पेट्रोल फॉर हर कार, उसे अपनी कार के लिए पेट्रोल चाहिए, हाउ मैनी लीटर कैन ईशा बाय फ्रॉम अ पेट्रोल पम्प एट द रेट ऑफ ₹101। अगर बच्चों उसे पेट्रोल डलवाना है, अगर वो 1 लीटर पेट्रोल पर लीटर 101 101 रुपये का आता है, तो वो 1010 रुपये का, 1010 रुपीज़ का कितना पेट्रोल डलवा पाएगी। तो ये देखिए बच्चों, 1011, यहाँ हमारा ज़ीरो आएगा, यहाँ हम ज़ीरो कैरी करेंगे, यहाँ ज़ीरो, और यहाँ हमारा नील आ जाएगा। तो ऑप्शन कितना है, 10 लीटर पेट्रोल वो ले सकेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रमेश हैज़ अ 1 लीटर मग, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग कैन बी मेजर फ्रॉम इट। बच्चों लीटर्स में हम किसको मेज़र करते हैं, लिक्विड चीज़ों को हम मेज़र करते हैं लीटर्स में। तो बच्चों उसके पास 1 लीटर का मग है, तो उससे वो कौन सी चीज़ मेज़र करेगी, पोटैटो, टमाटो, मिल्क या बीटर गॉर्ड। तो बच्चों ये सब हमारी किलोग्राम्स में आएगी और मिल्क हमारा लीटर में आएगा। ऑप्शन सी हमारा सही है। 11 क्वेश्चन, सरिता हैज़ 18 बैंगल्स, शी इज़ ट्राइंग टू कीप देम इन डिफरेंट ग्रुप्स, इन विच ग्रुप शी विल शी नॉट पुट विल नॉट बी एबल टू मेक इट विदाउट लीविंग एनी बैंगल्स। देखिए बच्चों, सरिता के पास टोटल 18 बैंगल्स है, ठीक है, शी इज़ ट्राइंग टू कीप देम इन डिफरेंट ग्रुप्स, उन वो सभी चूड़ियों को अलग अलग ग्रुप्स में रखना चाहती है, ठीक है बच्चों। तो आपसे बोला गया है कि इन विच ग्रुप विल शी नॉट बी एबल टू मेक इट विदाउट लीविंग एनी बैंगल्स। तो बच्चों किस ग्रुप में वो बैंगल्स को नहीं रख पाएगी, तो आप सभी को यहाँ पे इसका आंसर बताना है। तो देखिए बच्चों, 2 × 9 = 18, 3 × 6 = 18, 6 × 3 = 18, और इसमें हमारा देखिए 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, या तो इस तरह से रखेगी या फिर 9 + 9 के ग्रुप्स में वो रखेगी। इसी तरह 3 के ग्रुप्स में रखेगी, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या फिर वो रखेगी 6 + 6 + 6। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, इस वाले में वो नहीं रख पाएगी ग्रुप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सम चिल्ड्रन हैव पिक्ड फ्लावर्स फ्रॉम अ गार्डन, आंसर द क्वेश्चन बाय लुकिंग केयरफुली एट द पिक्टोग्राफ ऑफ द फ्लावर चूजन बाय देम। बच्चों देखिए, कुछ बच्चे हैं उन्होंने गार्डन से फ्लावर तोड़े हैं, तनिष्क ने कितने 5, सुमित ने 2 3 4 5 6 7 8 9 9, शालू ने 3, सोनल ने 3 4 5 6 7 7, दिव्याम ने 4 एंड भव्याम ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसने 11, ठीक है। नोट, एक फ्लावर हमारा 2 फ्लावर्स के बराबर होगा, तो हम इन्हें 2 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए 5 × 2 = 10, 9 × 2 = 18, 3 × 2 = 6, 7 × 2 = 14, 4 × 2 = 8 एंड 11 × 2 = 22। अब हमसे बोला गया है, हाउ मैनी फ्लावर डिड शालू पिक, शालू ने कितने पिक करे, तो यहाँ आएगा 6, ऑप्शन ए। हाउ मैनी लेस फ्लावर डज तनिष्क हैव देन भव्याम, अब भव्याम के पास 22 है, तनिष्क के पास कितने हैं 10, तो हम इन्हें यहाँ पे देखेंगे तो इसके पास, तनिष्क के पास 12 फ्लावर भव्याम से कम है। हाउ मच द पेरीमीटर ऑफ फिगर ए इज़ मोर देन ऑफ फिगर बी। अब देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पे 2 फिगर्स दिए गए हैं, आप सभी को बताना है कि कितना फिगर जो पेरीमीटर है ए का वो बी से ज़्यादा है, ठीक है। तो पेरीमीटर का आप सभी को फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड स्क्वायर का
ठीक है, स्क्वायर हमारी ये शेप है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 4 सेंटीमीटर, तो ये होगा 16 सेंटीमीटर। एंड ये रेक्टेंगल शेप है हमारा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो ये हमारी क्या है लेंथ और ये है हमारी ब्रेथ, इसका होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये होगा 2, 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, तो बी का तो आया 10 सेंटीमीटर और ए का आया हमारा 16 सेंटीमीटर, तो हाउ मच होगा बच्चों, तो यहाँ पे हम डिफरेंस बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, ए का है 16 और बी का है 10, तो कितना ज़्यादा है बच्चों 6 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन हमारा बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।